तो हम आपके साथ एक नई कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला, एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला। तो उससे पहले हम बातचीत जानते हैं कि हम एक्सेल का यूज क्यों कर क्या करते हैं। हालांकि आप एक्सेल पे काम करते हैं, एक्सेल के बारे में जानते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे समझ रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है और आपको हर एक चीज, हर एक टॉपिक बेसिक से एडवांस पूरी डिटेल में सिखाऊंगा। हो सकता है कि उस टॉपिक की कुछ चीजें आपको आती हो, लेकिन फिर भी मैं उसको आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है। राइट सर? तो हम बात कर रहे हैं, हम तो आपको एक्सेल सिखाएंगे, वो सिखाएंगे एक्सेल 365, जो कि एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन है। हो सकता है आप ये यूज ना करते हो, लेकिन क्या ना, जब सीखेंगे तो लेटेस्ट सीखे ना, क्योंकि अभी जो आप मान लीजिए पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं, कुछ दिनों बाद तो हम नया वर्जन यूज करेंगे ना, दोबारा थोड़ी सीखेंगे। सो जब भी सीखना चाहिए लेटेस्ट वर्जन ही सीखना चाहिए। लेटेस्ट वर्जन में पुराने वर्जन के सारे फीचर्स आते हैं, साथ में लेटेस्ट वर्जन के फीचर भी आते हैं। एक्सेल 365 को हम इस्तेमाल क्यों करेंगे, मैं क्या यूज क्या है एक्सेल? अगर किसी नॉन टेक्निकल ने पूछ लिया आपसे तो व्हाट इज द यूज ऑफ द एक्सेल, तो आपका एक आंसर सटीक और एक लाइन में होना चाहिए। तो देखिए, एक्सेल का यूज हम करते हैं डेटा स्टोरेज के लिए। सबसे पहले डेटा स्टोरेज, लेकिन एक्सेल इज नॉट ए डेटाबेस। एक्सेल को हम डेटाबेस नहीं बना सकते। एक्सेल को डेटाबेस ना बनाने के पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि एक्सेल बहुत सारे डेटाबेस की सिक्योरिटी नियमों को फॉलो नहीं करता है। सबसे पहले इसकी प्रोटेक्शन को ले लीजिए कि अगर आप इसकी एक्सेल फाइल सीट किसी चीज की प्रोटेक्शन करते हैं, एक्सेल साफ यहाँ पे कहता है कि इफ लॉस एंड फॉरगेट द पासवर्ड इट कैन नॉट बी रिकवर्ड। अब मान लीजिए हमने डेटाबेस बना दिया, पासवर्ड लगा दिया और हम पासवर्ड तो भूलते रहते हैं ना सर। कई बार आपने जीमेल के पासवर्ड को रीसेट किया होगा, तो पासवर्ड भूल गए तो डेटा भूल गए। हालांकि कुछ तरीके हैं पासवर्ड को रिकवर करने के, लेकिन वो 100% फुल प्रूफ नहीं है, तो उसके भरोसे हम नहीं रह सकते। सो एक्सेल को हम डेटाबेस नहीं बना सकते। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आता है कि एक्सेल को जब हम डेटाबेस बना नहीं सकते तो क्या डेटा स्टोर करेंगे इसमें? देखिए, इसमें जो डेटा स्टोर होता है दो तीन तरह के, जैसे कि मिसलेनियस। मिसलेनियस डेटा से मतलब ये, जैसे कि मान लीजिए कि आप अकाउंटेंट हैं, आप अकाउंट्स के लिए टैली फी को सैप यूज करते हैं, लेकिन जो पेटी कैश होता है, जो ऑफिस में छोटे मोटे खर्चे होते हैं, उसका हिसाब टैली में थोड़ी रखेंगे। अब सैप पे जाके थोड़ी बताए लेजर बनाएंगे, 2 रुपए की फोटो शूट कराई उसका लेजर थोड़ी बनाएंगे क्या, लेकिन 10-20 हजार के खर्चे हैं तो हिसाब रखना पड़ेगा, तो एक्सेल में रखते हैं। ऐसे आप मान लीजिए पेरोल, पेरोल है आपका, पेरोल यूज करते हैं, पेरोल डिपार्टमेंट में है, पेरोल के लिए आई पेरोल बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, उसको यूज करते हो, फिर भी आप अटेंडेंस को एक्सेल पे रखेंगे। तो मिसलेनियस डेटा ऐसा डेटा जिसको हम डेटाबेस में स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए हमें टेबल बनाना पड़ेगा, उसके अंदर सब कुछ बनाना, फीचर क्रिएट करने पड़ेंगे, ऐसे डेटा को हम एक्सेल पे स्टोर करते हैं। दूसरा आता है SME, शॉर्ट मीडियम इंटरप्राइज। जैसे हम जैसे छोटे लोग हैं, इनके पास डेटा का काउंट बहुत कम होता है, 8,000, 10,000, 20,000 डेटा काउंट होता है, तो ऐसे लोग बड़े बड़े सॉफ्टवेयर को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो लोग एक्सेल को डेटाबेस की तरह इस्तेमाल करते हैं या कर सकते हैं। तीसरा आता है एनालिटिक्स डेटा। ये जो है हमारे ये एनालिटिक्स डेटा जो है ये इस्तेमाल होता है क्यों, अब इसके पीछे रीजन बताते हैं। जैसे कि मैंने कोई रिपोर्ट बनाई, जैसे देखिए DSS को कल दिखाया था, इसी रिपोर्ट को देखिए, ये रिपोर्ट बना हुआ। अब इस रिपोर्ट का डेटा हमने क्या किया, हमने अपने सेल्स फोर्स डेटा और जैसे भी जो भी हमारा सर्वर है उससे डेटा को हमने जून महीने के डेटा या किसी एक महीने के डेटा को या एक साल के डेटा को डाउनलोड किया, एक्सेल के एक सीट पे रखा और उस पे फॉर्मूले पेपर चार्ट वर्ड की मदद से हमने एक विजुलाइजेशन को तैयार किया। तो इस विजुलाइजेशन कनेक्टेड टू डेटा, क्योंकि जैसे मैं आर्ट चेंज करूंगा मेरा रिपोर्ट पूरा चेंज हो जा रहा है,
तो हमें जरूरत है अपने डेटा को एक सीट पे स्टोर करना ताकि हमारी रिपोर्ट्स उससे कनेक्टेड। तो एनालिटिक्स डेटा को स्टोर करते हैं या होल्ड करते हैं कस्टमर। दूसरा हम बात करते हैं वह है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के लिए एक्सेल बहुत ही परफेक्ट चीज है। पूछेंगे क्यों? देखिए, किसी भी आप पावर क्यूरी चले जाइए, पावर बीआई चले जाइए, या और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर चले जाइए, वो फील्ड टू फील्ड की कैलकुलेशन करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक प्रोडक्ट को बाय किया 50 रुपीज में और हमने इसको सेल कर दिया 55 में, तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? अब प्रॉफिट परसेंटेज के लिए मान लीजिए एक्सेल में कोई फॉर्मूला नहीं, बट मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है कि सेल्स माइनस बाय डिवाइड बाय बाय। ठीक है सर? तो इस मैथमेटिकल फॉर्मूला को भी आप आसानी से यूज कर सकते हैं कि यहाँ सेल्स माइनस बाय डिवाइड बाय बाय, और यहाँ रिजल्ट आपके सामने। समझ गए? तो इस तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप एक्सेल में किसी का कोई भी आप कोई भी एनालिटिक्स को कैलकुलेट कर सकते हो, सैलरी कैलकुलेट कर सकते हो, इंसेंटिव कैलकुलेट कर सकते हो, कमीशन कैलकुलेट कर सकते हो, किसी भी तरह की कैलकुलेशन इसमें आसानी से कर सकते हो। इसमें कैलकुलेशन करने के लिए बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मैथमेटिकल कंसेप्ट को इंसान इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके प्रॉब्लम हो कि अगर आपके पास जो कैलकुलेशन हो उसके लिए कुछ चीज़ें नहीं है, यू हैव क्रिएट द ऑन फॉर्मूला यूजिंग द बीवीएमआई। कैलकुलेशन के बाद हम बात कर सकते हैं एनालिसिस की, कि हम इसमें रिपोर्ट की एनालिसिस कर सकते हैं, रिपोर्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात आता है कि एनालिसिस तो ठीक है, लेकिन रिपोर्ट रिप्रेजेंट, तो रिपोर्ट के प्रेजेंटेशन के लिए तो जनरली हम लोग पावर पॉइंट इस्तेमाल करते हैं, फिर एक्सेल क्यों? देखिए, डायनेमिक रिपोर्ट की हम बात करें, जैसे मान बात की आपके सामने एक रिपोर्ट है, अब इसी को हम पावर पिवट इसमें पावर पॉइंट पे बनाते तो क्या होता कि जितने भी कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज हैं, उनके लिए मुझे अलग अलग पिवट बनाना पड़ता है, अलग अलग क्या बोलते हैं, अलग अलग इसमें फ्लाइट्स बनाने पड़ते हैं, और फिर उनको नेविगेट करने में प्रॉब्लम होती है। बट यहाँ वी हैव जस्ट क्लिक एंड रिपोर्ट विल बी चेंज, अनक्लिक रिपोर्ट विल सेम चेंज। तो डायनेमिक रिपोर्ट्स रिप्रेजेंटेशंस के लिए हम एक्सेल का ही इस्तेमाल करते हैं। और चौथा जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर ये ना हो तो हम एक्सेल को उतना खास नहीं समझते, शेयरिंग। अभी मान लीजिए मुझे कोई फाइल आपको भेजनी हो, तो इस फाइल को भेजने के लिए मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, एक्सेल फाइल सेव करूंगा और भेज। हालांकि डैशबोर्ड रिपोर्ट्स हम पावर बीआई से भी बड़े अच्छे बना लेते हैं, टैबलू से भी बहुत अच्छे बनाते हैं, क्या सर? हाँ जी सर, लेकिन क्या है कि पावर बीआई की टैबलू की फाइल आपको नहीं दे सकते, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपके पास टैबलू और पावर बीआई की रिपोर्ट फाइल हो, ये उसकी सॉफ्टवेयर आपके पास हो, क्योंकि बिना सॉफ्टवेयर के फाइल को नहीं खोल सकते ना आप। बट हाँ इतना जी आशा है कि आपके पास एक्सेल जरूर हो। एक्सेल में हुआ तो एक्सेल का सबसे छोटे से ओपन वाल्जी, सैमकनी जैसे सॉफ्टवेयर तो होंगे ही होंगे। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो आप उसको वेब वर्जन पे जैसे कि जीमेल पे भी ओपन कर सकते हैं, जीमेल पे फाइल लेके क्लिक किए और यहाँ आप ओपन कर, ठीक है? जी क्योंकि तो अगर मान लीजिए कि आपको मैंने कोई फाइल भेजा और उस फाइल का यूज ही आप ना कर पाए तो क्या फायदा हो, क्या सर? तो हाँ इसलिए ये जो है एक्सेल, क्या जो मैंने बताया कि शेयरिंग जो है सबसे इम्पोर्टेंट है,
और हम डेटा को शेयर करते हैं एक्सेल में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज यूज द एक्सेल, तो आप क्लियर कर सकते हैं कि वी कैन यूज द एक्सेल फॉर स्टोर द डेटा, कैलकुलेट द डेटा, एनालाइज द डेटा एंड शेयर द डेटा। राइट सर? यस सर। अब इसमें बात करते हैं लर्निंग अपॉर्चुनिटी की, इसमें हम किस किस कैसे सीखेंगे इसको। देखिए सबसे पहली बात बता दूं आपको कि अगर आप सीखना शुरू कर रहे हैं तो आपके पास प्रैक्टिस के लिए घंटे दो घंटे का टाइम होना चाहिए। आप बोलेंगे सर हम तो तीन बार एक्सेल पे ही काम करते हैं, तो बात यह है कि अगर ऐसा काम करने से आप एक्सेल पे एक्सपर्ट हो जाते हैं तो बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, आपको एक्सपर्ट हो जाना चाहिए। तो ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप काम करते हैं तो आप उतना ही एक्सेल यूज करते हैं जितना आपको जरूरत पड़ती है या जितना आपको नॉलेज। और आपको पता है कि 3 + 2 = 5 होता है, राइट? अब आपको यही पता है तो हमेशा यही करेंगे ना, आपको थोड़ी अगर आप आपको पता ना हो कि 2 + 2 + 1 = 5 होता है क्या? तो हर काम को करने के दो तरीके, दो तीन तरीके हो सकते हैं। और दो तीन तरीके में क्या होता है कि कभी कभी हमारे पास ऐसा प्रॉब्लम होता है कि कुछ जम का कुछ टॉपिक यूज करते हैं तो उसके कुछ बेनिफिट और कुछ नुकसान भी होते हैं, लेकिन दूसरे तरीके से हमारा नुकसान कवर हो जाता है, तो दूसरा तरीका भी जानना जरूरी है। ठीक है सर? तो आपके पास प्रैक्टिस के लिए घंटे दो घंटे का टाइम होना जरूरी है। अगर घंटे दो घंटे का टाइम नहीं है तो फिर आप टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि एक्सेल जस्ट लाइक ए मैथमेटिक्स। दूसरी, आपको बेसिक की नॉलेज थोड़ी बहुत होनी चाहिए। ठीक है? अब पूछे सर कैसे पता चलेगा कि बेसिक की नॉलेज है या नहीं है? देखिए ऐसा कोई टेस्ट वेस्ट आपके साथ हम नहीं लेने वाले, समझे? क्योंकि टेस्ट से पता नहीं चलता है, इसलिए हम हमारे पास एक रिकॉर्डिंग है, ठीक है, जो कि तकरीबन 5 घंटे के आसपास की रिकॉर्डिंग है, जो कि हम हर एक स्टूडेंट को देते हैं देखने के लिए जब वो कोर्स कितने घंटे की सर? 5 घंटे के आसपास। अच्छा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिपरेशन द लर्निंग, या आप ये कह सकते हैं कि इसमें दी गई सारी एक्सेल में जितना चीज आना चाहिए एक बंदे को काम करने के लिए सब कुछ उसमें अवेलेबल है। कभी भी वो लिंक मैंने आपको व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप किया है, तो मैं आपसे प्रॉमिस आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको देख लो। आप बोलेंगे सर 5 घंटे की है, इतना टाइम कैसे निकालेंगे? तो मैं ये नहीं बोलता कि पूरी रिकॉर्डिंग को देखें, मैं बताऊँ कि आपको अगर जो चीज पहले से आता है उसको स्किप कर दे, जो नहीं आता है उसको एक बार देख ले, और उसमें दी गई चीजें हम सब कुछ कवर करेंगे, लेकिन यहाँ हम बेसिक टू एडवांस में कवर करेंगे। तो उस समय अगर ये चीज आपको आपने पहले देखा होगा तो आपको सीखने में सहूलियत। और तकरीबन मैंने इसको 50-60 हज़ार बच्चों को दिखाया हुआ है और ये सबने इस पे अच्छा फीडबैक दिया।